अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। हम आए हुए हैं अपने डेरे पे, अपनी हवेली पे। साहब को और ये रोकी है, इसको घुमाने फिराने। ये ट्यूशन से आया, ट्यूशन से आते ही कहता है मुझे मतलब रोकी को लेके जाना है। तो हम रोकी को लेकर अपनी हवेली में आ गए हैं। ये हमारी हवेली है, ये साइकिल पे आया, मैं पैदल आया हूँ। व्लॉग शुरू करते हैं आज का स्टार्ट। तो ये चेक करें आप, ये गधे का बच्चा है या घोड़े का बच्चा है या खोते का बच्चा है या खोती का बच्चा है? घोड़े का बच्चा है। हाँ, घोड़े का बच्चा है। रखा हुआ वो देखो, डॉगी को वो ऐसे करता तो वो भौंकता है। ये आफ्ताब है, देखो ये ज्यादती आया कि नहीं मेरे साथ। ये साइकिल पे आया हुआ है और मुझे पैदल लेके आएगा। तुम पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चलता हूँ। विजिट करवाते हैं अपनी हवेली का। क्या क्या हमने लगाया हुआ है, क्या क्या हमने लगाया हुआ है, मतलब मूंगफली, तम्बाकू, जो जो लगाया हुआ है हम आपको विजिट करवाते हैं। गाइस गाइस ये चेक करें, तम्बाकू लगा हुआ है हुक्के में डालने के लिए या सिगरेट में, जो भी होता है। आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना पता है कि ये तम्बाकू लगा हुआ है। खजूरें आती हैं ना, तो अम्मी जान उमरा करके आए थे, उन्होंने ना अजवा खजूरें लेके आए थे। वो मतलब हर जो भी उमरा करके आता है वो अजवा खजूर लाजमी लेके आता है। मजे की बात आपको बताने लगा हूँ, मजे की कहानी आपको बताने लगा हूँ। ये हमने खजूर, हमारे पास आई थी तो हमने अजवा खजूर खाई थी। खा के ना, ये हमने जो घर में पौधे लगे हुए होते हैं, गमला होता है, हमने ना उसमें ही मतलब वो खजूर का जो घिटक होती है ना खजूर की, हमने उसमें ना रख दी थी। कुछ टाइम लगा तो खजूर का पौधा निकल गया, छोटा सा निकला। ऐसा 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 बड़ा होते होते तो हमने पहले इसको हवेली में शिफ्ट किया हुआ है। बड़ा हो गया, ये अजवा खजूर का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि जब मतलब अजवा खजूर का पौधा लगा हुआ है। खजूरें ना भी लगें, अल्लाह करें लगें, ना भी लगे तो मुश्किल नहीं, अजवा खजूर का पौधा तो लगा हुआ है ना यार, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारा जो है वो बोर हुआ हुआ है, नलके का भी, मोटर का बोर हुआ है, तो इधर हम मोटर से लगा के जो है वो इस सब चीज़ को पानी लगाते हैं, ताकि मतलब बाद में हम मोटर उतार के गाड़ी ले जाते हैं। और साथ ही साथ ये लगा हुआ है भिंडी तोरी, ये पालक लगी हुई है गाइस, ये मेथरे लगे हुए हैं, इसमें जगह जगह पर काली तोरी, इस जगह पर ये सबज मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये टमाटर लगे हुए हैं, टमाटर के साथ काफी ज्यादा लगे हुए हैं, कच्चे हैं अभी, अभी कच्चे हैं, अभी पक जाएंगे। एक दो पका हुआ है भाई, दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, टमाटर रेड हो रहा है, पका हुआ है थोड़ा। साथ ही साथ ये भी सब्ज मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं, लेमन लगे हुए हैं, नींबू जिसको कहते हैं नींबू, नींबू, और ये बैंगन लगे हुए हैं। बैंगन हमने काफी दफा खाए हैं इधर के, मतलब अपनी हवेली के, इतने ही पकाने होते हैं हफ्ते में एक दो दफा। तो गाइस ये जो इस साइड पे है, इस साइड पे हमारे तम्बाकू लगे हुए हैं और सफेदे, दरेक और कीकर, इस तरह का मतलब पौधे भी लगे। जो सब्जी में लगा हुआ है ना वो तम्बाकू लगा, तम्बाकू सब्जी होता है? नहीं। अच्छा, मैं वो कह रहा हूँ तम्बाकू सब्जी है, सॉरी। इस साइड पे जो लगा हुआ है ना मतलब सब्जी में, वो मिर्चें, पालक, टमाटर, बैंगन, काली तोरी, भिंडी तोरक, मिर्चें, इस तरह का लगा हुआ है। और साथ ही साथ तम्बाकू लगा हुआ है। और जो ये जगह है ये मतलब एम ही फजूल पड़ी हुई है। सॉरी यार, ये भी कुछ लगा हुआ है। अरे भाई ये प्याज लगे हुए हैं, टूटे हुए हैं, उगे हुए हैं, उगे हुए हैं, बिल्कुल सही है। मैंने समझा मतलब ये एम ही फजूल कोई बूटी वगैरह लगी हुई है। देखिए ये चेक करें जी, ये प्याज लगे हुए हैं। जो ये जगह है ना ये मतलब वीरान पड़ी हुई है, ये कुछ भी नहीं है, ये भी वीरान जगह बनी हुई है। उसके बाद चलते हैं गाइस जो इस साइड पे, ये साइड आपको दिखा दी है, अभी इस साइड पे चलते हैं। इस साइड पे देखें गाइस, धनिया लगा हुआ था, धनिया का सीजन खत्म, तो धनिया के ऊपर धनिया का बीं लगा, बीं को ऐसे ही लगा रहने दो। ये अनार का पौधा लगा, हमने थोम लगाया हुआ था, वो उतार के हम गाड़ी ले गए। अभी थोम का सीजन नहीं है, थोम लगेगा तो हम थोम लगाएंगे। ये देखें ना, एक दो तुरी अभी तक भी लगी हुई है। ये नींबू का मौसम अभी आ रहा है कि गर्मी है तो नींबू काफी ज्यादा इधर लग रहे हैं। ये शतूत का पौधा है, और साथ ही साथ इधर देखें ये अमरूद का पौधा है, और साथ ही साथ इधर देखें ये मैंगो का पौधा है, मैंगो भी लंगड़ा, कौन सा मैंगो लंगड़ा, हाँ ये लंगड़े मैंगो का पौधा है। ये इधर गाइस हमने लगवाई हुई थी, ये वो उसको क्या कहते हैं, गाजरें लगी हुई थी गाइस, ये हमने गाजरें उतारी थी। हाँ ये मूली का पौधा है, ये देखें मोंगरे ऊपर लगे हुए हैं, ये नीचे मूली बुढ़ी हो चुकी है, वो देखें मूलियाँ बुढ़ियाँ हो चुकी हैं, तो ये मूली के पौधे थे। उसके बाद साथ ही साथ ये भी हमने पालक लगवाई थी, जो पालक खत्म हो चुकी है। उसके बाद अभी पालक का मौसम नहीं है, सीजन ऑफ हो गया है, तो इसलिए इसके पौधे सूख चुके हैं। इसके बाद साथ ही साथ आए तो ये मतलब इतना हमने तरबूज, खरबूज, तो वो नहीं अभी वो नहीं हो सके, हम मतलब इतनी मेहनत नहीं कर सके कि वो हो सके। देख सकते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह है, अगर हम इधर मेहनत करना चाहें तो मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो हम कुछ
कमा सकते हैं, खा सकते हैं और बहुत कुछ खा सकते हैं। इसका मतलब अगर मेहनत की जाए तो इस हवेली को, इस जगह को आबाद करने में इतना टाइम नहीं लगता अगर मेहनत की जाए, स्ट्रगल की जाए। लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग कहते हैं यार हमें इधर पाकिस्तान में काम करने में शर्म महसूस होती है। शर्म महसूस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, शर्म महसूस करने से काम नहीं होता। अगर हमें शर्म महसूस करेंगे तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल बनाएं। हम कहते हैं यार इतना मुश्किल काम, इतना मुश्किल, हम तब तक मेहनत मजदूरी नहीं करते जब तक हम मतलब बीवी बच्चों वाले ना हो जाएं। हम मतलब जब तक कवारे हैं, हमने समझा हमारे नज़ारे हैं, ठीक है, हम कवारे हैं तो हमारे नज़ारे हैं, हमने अपने अपने नज़ारे बनाए हुए हैं कुंवारे होकर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी चलते हैं जो हमारे, ये हमने स्पेशल रोड बनवाया हुआ है, ठीक है, ये बहुत हैवी पुल बनी हुई है हमारी गाड़ी, आपको दिखाते हैं कि मतलब नीचे से काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो मुझे इधर खड़े हो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि हम नीचे गिर गए तो हमारा क्या बनेगा। काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हमने रोड बनाया हुआ है ईंटों और भट्टों का, ये फजूल पड़े हुए थे तो हमने इधर इसको एडजस्ट कर दिए। तो क्या पहले आपको विजिट करवाते हैं, मतलब ये देख इधर आओ थोड़ा थोड़ा आगे आके विजिट करवाओ हमें, मतलब ये क्या क्या लगा, किस चीज़ का पौधा लगा हुआ है और किस किस जगह लगा हुआ है, ये बताओ जी हमें क्या लगा हुआ है। मुझे तो पता जी क्या लगा हुआ है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे नज़रों में ये क्या लगा हुआ है, बताओ जल्दी करो। ये कुत्ते को बच्चे को बाहर निकालो, चेक करके बताओ। मर्चों का पौधा है। फाइनली बिल्कुल गाइस इसने 100% सही जवाब दिया है, ये मर्चों का पौधा लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता था इसको पता है, लेकिन मैं आपको सीधी बात बताऊं, कैमरे के वीडियो इसने बंद करवा के मुझसे पूछा कि मतलब ये क्या लगा हुआ है, मैंने इसको बताया फेक नहीं है, मैं सीधी सच्ची सच्ची बात कर रहा हूँ, ये क्या लगा हुआ है, मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसने पूछा मुझे बताओ मैं मतलब तब जवाब दूंगा, इसने बताया है। तो ये देखो अभी होशियार बन रहा है कि मैंने बताया, इसने कुछ भी नहीं बताया, इसकी स्माइल इसके मुंह से, इसके चेहरे से, इसकी हंसी से पता चल रहा है कि इसने जो भी बताया मुझसे पूछ के बताया, इसको वैसे नहीं पता जी क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो अभी ये देखते हैं आप साहब से ये पूछते हैं, अभी वीडियो को हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, जल्दी जल्दी ये बताएगा, 3-5 सेकंड का इसके पास टाइम होगा। ये प्याज, ये वो उसको नजर आ गए प्याज, वो मैंने मतलब पूछ नहीं था, इसको नजर आ गया प्याज। तो साथ ही साथ अगर इधर आए तो इधर हमें देखने को क्या मिल रहा है, इधर हमें देखने को मिल रहा है ये पता नहीं रूह के पौधे लगे हुए हैं। हाँ ये रूह के पौधे लगे हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब ये वैसे किसी इस्तेमाल में नहीं है लेकिन खूबसूरती के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। कैमरे में अगर आप नज़ारा देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको भी खूबसूरत लग रहे होंगे, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा सीन लग रहा है और अच्छी खूबसूरती लग रही है मुझे इनकी। आप भी बताओ ये कैसे लग रहे हैं, मज़ेदार खा के चखी हैं आपने? तो साथ ही साथ हम इधर आते हैं, इधर चेक करते हैं, गाइस आप चेक करें मतलब आपको कैमरे में कैसे लग रहे होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हसीनो जमील लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब हसीनो जमील लग रहे हैं। ये कुत्ते का बच्चा है, ये इसको सुकून नहीं है। ओ भाई साहब इधर भी सब्जी लगी हुई है यार, इधर आओ। ये तो मुझे पता ही नहीं था यार ये क्या लगा हुए हैं, मिर्चों के पौधे और ये थोम और ये भी आप चेक करें, ये केक पीस हैं, केक पीस बिस्कुट के साथ खाओ, बिस्कुट के साथ खाओ, बिस्कुट के साथ खाओ, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक। खा सकते हो आप? ना। मुझे भी पता नहीं खा सकते। तो आज रोकी आप भी इधर आज रोकी, हमने रोकी को बुला लिया, रोकी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हम उसके आगे आगे जा रहे हैं। वो पहले कहता है कि मैंने आगे आगे जाना है, हमने बोला तुमने आगे आगे नहीं जाना, हमने पीछे पीछे आना है। तो अभी वो आगे आगे फिर वही बात हुई, हमने बोला था कि तुमने पीछे पीछे रहना, लेकिन उसने बोला नहीं मैंने आगे आगे जाना, उसने हमें पागल किया हुआ है। तो चलते हैं गाइस इधर से, हम अपनी उस हवेली में चलते हैं जिधर हम पहले से उतर जाकर हम थोड़ी बहुत गपशप आपके साथ लगाते हैं, गपशप आपके साथ लगा के तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ, घर की तरफ जाके हम आपसे व्लॉग का एंड करेंगे और आपसे इजाजत चाहेंगे। तो चलते हैं फिलहाल गाइस, इसको मुझे समझ नहीं आती मतलब सारी मेहनत मैंने किया, बोली मैं जा रहा हूँ काफी ज्यादा थक, मैं गया इसके काम चेक करें, मतलब ये कह रहा है थक गया हूँ। इसने किया क्या है, साइकिल पे आया है, साइकिल पे आकर इसने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर बैठा हुआ है काफी देर से और इधर से उधर दो चक्कर लगाए तो ये थक भी गया। आप हमारी दोबारा पुल चेक करें, हमने काफी ज्यादा डेंजर बनाई हुई है, तो आप ध्यान से गुजरना, ये काफी ज्यादा डेंजर है और गिर सकता है बंदा। मैं हाथ पकड़ लो मैं गिर सकता हूँ। राम 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 राम। फाइनली गाइस मैं इतनी बड़ी पुल से और इतनी हैवी मतलब वट्टों वाली पुल से उतर आया हूँ, मेरे दिल की धड़कने 101 बता तेज हो गई हैं। तो मतलब ये अभी आपने सारा टोटल हमारी वैली का विजिट कर दिया है, तो अभी हम आपको एक शुक्ल दिखा, तो मैं आफ्ताब को दो थप्पड़ मारूंगा, अगर वो ना लेके आए तो मैं ये आफ्ताब मुझे दो थप्पड़। चलो रोकी लेके आओ नहीं ले गया तो आफ्ताब तैयार हो, जो दो थप्पड़ खाने के लिए इधर मुँह करो। आपने बोला था कि मतलब अगर वो ले आए तो मैं दो थप्पड़ मारूं, मुझे पता था वो नहीं लेके आया। इधर आ जो शाफत से दो थप्पड़ खा लो। इसने मतलब ये पनिशमेंट डाल चुका है, ये देखें एक हाय मजे आया दो। चलो तो ये पनिशमेंट डाल चुका था, ये मैंने गेम शुरू की थी जूते वाली, ये अभी इसको खत्म करते हैं, मैं दोबारा नहीं खेलता क्योंकि मुझे नहीं खत्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं। रोकी इधर आओ, मुझे पकड़ाओ, रोकी इधर आओ, लेके आओ ना पागल हो भाई, चाचे को मारते हैं, चाचा इतना बड़ा चाचा होगा। हे गॉड,
देखें गाइस, इसको शर्म नहीं आएगी, मतलब चाचे को मारते हुए इसकी गैरत मर चुकी है, इसकी शर्म मर चुकी है, इसको शर्म कर देनी चाहिए थी, इसको बोलना चाहिए था अच्छा चाहिए हैर है। लेकिन बाद में मुझे जेन में आया, फिर मुझे जेन में आया कि इसको शर्म तब करनी चाहिए थी अगर मेरे पास शर्म होती, तो अगर मैं शर्म कर जाता इसको ना मारता तो शायद ये भी शर्म कर जाता, तो लिहाजा इसने शर्म तब नहीं की क्योंकि मैंने शर्म नहीं की। तो अभी चलते हैं यहाँ से हम घर की तरफ, घर की तरफ जाके ब्लॉग एंड करते हैं, तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी नमाज का टाइम भी हो चुका है, असर की नमाज का हमने नमाज पढ़ी, किसी को जो है पानी पिलाना है, पानी पिलाने के लिए हमारे पास कोई बर्तन नहीं है, तो हम इसको फिलहाल पानी पिलाने के लिए एक ये हमने पाइप लिया है, इससे हम थोड़ी सी खुदाई करेंगे, खुदाई करके उसमें पानी डालेंगे ताकि वो ईजी होकर पी सके। उसके बाद हम इसको घर ले जाएंगे, पहले पानी पिलाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर भाग भाग कर थक चुका है और काफ़ी दूर से आए हैं हम। अभी हम इसमें छापर डालेंगे ताकि ज़मीन पानी पी ना जाए, ये इसका बहुत अच्छा आइडिया था आपका, मैंने तो ऐसे ही पानी डाल देना था, मतलब ऐसे ही एक छापर हमें और अच्छा मिल गया, लेज का छापर, हम तो वैसे लेज खाते हैं, चलो डोगी लेज ना सी, लेज का जायका तो चखेगा ना। हम लेज के छापर को इसमें 3 साल पुराना छापर का अभी तक मजा होगा। चल तो अभी हमने पानी ले आए हैं, पानी लेके अभी इसमें डालेंगे, चल पी लो। तो ये चीज गाइस देखें, गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये भी आइडिया, तो गाइस चेक करें, अभी महसूस भी नहीं हो रहा कि हमने इधर खड्डा खदा था और पानी पिलाया था, उसके पांव भी गंदे हो गए, पांव भी गंदे हो गए, लेकिन महसूस नहीं हो रहा। चलो चलते हैं, आई लव नेचर। अगर कहीं कुछ ऐसी जगह है जहां पर पौधे नहीं लगे हुए और आपकी समझ में आता है कि जहां पर पौधे लगने चाहिए, तो आपको वहां पर पौधे लगाने चाहिए ताकि पौधे लगेंगे, हमारा ग्रीन पाकिस्तान होगा और हमारे पाकिस्तान में खुशहाली होगी और हमारा पाकिस्तान हमेशा ठंडा पाकिस्तान रहेगा, सब्ज़े वाला पाकिस्तान रहेगा। तो चलते हैं हम अपने घर की तरफ और यहीं पर करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।